नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और खासतौर पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि कितने सारे लोगों को लीगल अपडेट रेगुलर मिल रहा है। जो भी बदलाव, जो भी परिवर्तन, तो नए कानून आते हैं, नई आप लोगों की कोई समस्या होती है तो उस पर डिस्कस करके, उस पर रिसर्च करके आप लोगों को उसका रास्ता बताया जा रहा है। मुझे बड़ी काफ़ी खुशी हो रही थी आप लोगों का लाइक सपोर्ट को देखते हुए भी, और आप लोगों का प्यार देखते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। चूँकि आज केस को लेकर, एक विशेष केस को लेकर, खासतौर पर हरियाणा कोर्ट में लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। बट मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद में मैंने सोचा कुछ, चूँकि आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को रेगुलर वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि बनाता रहूँ। देखते हैं, एक्चुअली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें माननीय हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि अगर कोई भगोड़ा व्यक्ति है, अगर वो चाहता है पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए क्या कहते हैं अपील दायर करके, मतलब पूरे सिस्टम को ना शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद तो भगा हुआ है, खास खुद भगा हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा कर किसी और को अपने बिहाफ पे कर मतलब क्या कहते हैं प्रोड्यूस करके, और खुद भगा हुआ है। खासतौर पर जब दो चार केसों में वो भगोड़ा घोषित है तो ऐसे व्यक्ति को मतलब ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है, पूरे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये गलत है। जो अगर एकाध केस हो तो बात समझ में, एक्चुअली होता क्या, जो इसमें आरोपी होता है पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर अपना जो भी अधिकार होता है किसी और व्यक्ति को सौंप देता है और खुद भगोड़ा होता है, कई सारे केसेस में भगा होता है। इसके उनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वो ये होता है, आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120B, 409, 477 या 2014 का मामला, ये केस लगे होते हैं। और जो आरोपी होता है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जिसको अपना ऑनर बनाता है, अपना जो सहमति होता है जिसको देता है ना, वह व्यक्ति क्या करता है, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यानी कि हाई कोर्ट में जाता है, याचिका डालता है, और जो भी इसके खिलाफ इसके मतलब उस भगोड़े व्यक्ति के अगेंस्ट जो भी आपराधिक कार्रवाई चल रही होती है उसको रद्द करने की बात कही जाती है। लेकिन जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा सारी दलीलों को देखा जाता है तो उसके बाद साफ साफ मना कर दिया जाता है, सुनवाई करने से ही मना कर दिया जाता है कि जो ऑलरेडी कई सारे केसेस में भगोड़ा है उस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अगर कोई याचिका दायर करता है तो उस पर सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये तो पूरे सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर रहा है, यही कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई। दोस्तों, ऐसे ही आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है, आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बिल्कुल सपोर्ट करने में बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। बाकी ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर करना भी बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद।